हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्रेल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक्सीपिएंट्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो लास्ट वीडियो था, जिसके अंदर मैंने आपको एक्सीपिएंट के बारे में बताया था कि एक्सीपिएंट क्या होते हैं, और बिल्कुल शॉर्ट में मैंने एक्सीपिएंट्स के बारे में इंट्रोडक्शन भी दिया था। इस वीडियो के अंदर हम एक एक एक्सीपिएंट के बारे में सिस्टमेटिक वे में बात करेंगे, साथ ही साथ साइड में मैं आपको उनके एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इंटरव्यू प्रिपरेशन के हिसाब से या इंटरव्यू के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे एक्सीपिएंट के बारे में तो पूछा ही जाएगा, साथ में हम उसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके हम बात करेंगे एक एक एक्सीपिएंट की। तो फर्स्ट जो हमारा एक्सीपिएंट है वो है डाइल्यूएंट्स। देखिए, डाइल्यूएंट्स जो एक्सीपिएंट होते हैं, जो ड्रग फॉर्मुलेशन के अंदर यूज़ होते हैं, बेसिकली ये ड्रग का वेट बढ़ाने के लिए डाले जाते हैं, जिससे हमारी जो ड्रग हो उसका एक प्रॉपर वेट हो जाए, वो एक यूनिट डोजेस फॉर्म की तरह बन जाए, साथ ही साथ उसकी बल्किनेस बढ़ जाए थोड़ी सी, उसकी साइज मतलब वही वेट बढ़ना, बल्किनेस बढ़ना, कोएसिव नेचर, मतलब ड्रग एक यूनिट प्रॉपर्टी में हो जाए। एग्जाम्पल के लिए इसको थोड़ा सा और मैं आपको इलेबोरेट करने की कोशिश करता हूँ कि अगर हम डाइल्यूएंट ना यूज़ करें तो क्या होगा। देखिए, काफ़ी ऐसे डोजेस फॉर्म होते हैं जिनकी जो API की जो स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी कम होती है, 5 mg, 10 mg, ठीक है, तो 5 mg, 10 mg, 25 mg, 50 mg, मतलब ये बहुत ही कम क्वांटिटी में ड्रग है। अब इसमें ये होता है कि जब इतनी कम क्वांटिटी में ड्रग होती है या फॉर्मुलेशन होता है, तो उसको अगर आप पंच करोगे तो वो पंच भी नहीं होगी, क्योंकि वो तो पाउडर रहेगा छोटा सा, ठीक है, वो एक यूनिट डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा और टेबलेट में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्वांटिटी काफ़ी कम है। तो हमको थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी जिससे वो प्रॉपरली कंप्रेस हो सके और एक टेबलेट बन सके। इसीलिए हम उसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं जो केवल ड्रग का वेट बढ़ाते हैं थोड़ा सा, और वो अपना कोई भी किसी टाइप का साइड इफेक्ट नहीं देते हैं और किसी टाइप की एक्टिविटी शो नहीं करते, उनका काम बस ये है कि वो ड्रग का वेट बढ़ा रहे हैं, दैट्स इट। तो इस टाइप के जो एक्सीपिएंट है जो हम ऐड करते हैं, इट इज़ कॉल्ड डाइल्यूएंट्स। तो यहाँ पर साइड में, जैसे जब मैं आपको पूरा सिस्टमेटिक वे में समझा रहा हूँ, तो साइड में मैं आपको पूरे डाइल्यूएंट के सिस्टमेटिक वे में एग्जांपल्स भी बता रहा हूँ, और बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में आप चाहें तो इस वीडियो को पुश करके ये सारे एग्जांपल्स नोट डाउन कर लीजिए और इनके शॉर्ट नोट बना लीजिए, क्योंकि जब आप जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए तो वहाँ पर ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और ये आपको बहुत ही काम आने वाले हैं इंटरव्यू के अंदर। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डाइल्यूएंट्स जो होते हैं बेसिकली वो दो टाइप के होते हैं, हाइड्रस और एनहाइड्रस। हाइड्रस का मतलब होता है जो वाटर मॉलिक्यूल को कंटेन करते हैं, और एनहाइड्रस का मतलब होता है जो वाटर मॉलिक्यूल को कंटेन नहीं करते हैं। अधिकतर जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है डाइल्यूएंट, वो यूज़ किया जाता है एनहाइड्रस, क्योंकि अगर आप वाटर मॉलिक्यूल और हाइड्रस अधिकतर वेट ग्रेनुलेशन के अंदर यूज़ किया जाता है, जहाँ वेट ग्रेनुलेशन होता है वहाँ पर हाइड्रस डाइल्यूएंट्स का यूज़ किया जाता है। बट अगर आप हाइड्रस मतलब वाटर मॉलिक्यूल कंटेनिंग डाइल्यूएंट का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी टेबलेट्स के अंदर बहुत सारे डिफेक्ट्स शो हो सकते हैं, जैसे कि आपकी टेबलेट जो है वो मॉइस्चर कंटेंट शो कर सकती है, उसके अलावा स्टिकिंग, केपिंग, ये जो टेबलेट के जो डिफेक्ट होते हैं ये शो कर सकती है। तो अगर मोटे मोटे तौर पे बोला जाए तो सिंपल सी बात है कि आपको अधिकतर एनहाइड्रस यूज़ करना है, हाइड्रस यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हाइड्रस मैं आपको बता चुका हूँ वाटर मॉलिक्यूल कंटेनिंग होता है, और अगर आप हाइड्रस डाइल्यूएंट्स का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपकी टेबलेट जो होगी वो बहुत सारे डिफेक्ट जो है वो शो करेगी। अब हम बात करते हैं बाइंडर्स की। देखिए, बाइंडर्स क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि ये हमारे टेबलेट को बाइंड करके रखता है, क्योंकि जब भी हम टेबलेट को कंप्रेस करते हैं तो हमारी जो टेबलेट होती है वो बिल्कुल एक यूनिट डोजेस फॉर्म में होती है, उसमें एक किसी भी तरह की आपको एक हल्की सी दरार भी नहीं दिखेगी, यहाँ तक कि टेबलेट जब कंप्रेस हो जाती है उसके बाद उसकी पैकिंग होती है, पैकिंग होने के बाद वो ट्रांसपोर्ट होकर मेडिकल स्टोर तक पहुँचती है, मेडिकल स्टोर से फिर हमारे तक पहुँचती है, तब तक इतना कुछ करने के बाद भी टेबलेट के अंदर एक सिंगल आपको एक दरार, एक स्क्रैच भी नहीं दिखेगा, उसका रीज़न ही होता है बाइंडर। बाइंडर जो होता है वो बेसिकली टेबलेट को बाइंड करके रखता है, और इसी वजह से बाइंडर ऐड किया जाता है। अगर किसी भी टेबलेट के अंदर बाइंडर ऐड ना किया जाए तो टेबलेट जो होगी वो बाइंड नहीं हो पाएगी, वो जैसे ही आपने कंप्रेस किया और जैसे ही आप पैकिंग पे ले जाएंगे टेबलेट टूट जाएगी, और अगर हो सकता है कि टेबलेट टूटे नहीं तो जब आपके पास आएगी और आप जैसे ही उसको खोलेंगे तब टूट जाएगी, या हो सकता है जब आप टेबलेट को हाथ में लें तो पता चला आधा पाउडर तो आपके हाथ में ही लग गया है, ठीक है। तो इतना तक होता है, इस वजह से टेबलेट को प्रॉपर बाइंड करने के लिए बाइंडर्स का यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ बाइंडर्स जो होते हैं वो टेबलेट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं, तो इसी वजह से बाइंडर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर अगर आप और भी एग्जांपल लें टेबलेट्स के, तो जो ऐसी टेबलेट जो कि सस्टेन रिलीज टेबलेट होती हैं, या ऐसी टेबलेट जिनको खाने के बाद वो 48 घंटे तक धीरे धीरे ड्रग को रिलीज़ करती हैं, तो उसका मेन रीज़न भी बाइंडर्स ही होता है। बाइंडर्स की वजह से ही टेबलेट का जो ड्रग रिलीज होता है वो कंट्रोल होता है, और वही उसको मेंटेन करके रखते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बाइंडर्स का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस यूज़ होता है टेबलेट फार्मुलेशन के अंदर।
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो साइड में मैं आपको बाइंडर्स के एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ, जहाँ पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट बाइंडर्स जो है वो साइड में आप देख रहे होंगे एज एन एग्जाम्पल। इनको सबको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इंटरव्यू पर्पस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है बाइंडर से रिलेटेड, उसके एग्जाम्पल से रिलेटेड। अब हमारा जो अगला एक्सिपिएंट है वो है डिस इंटीग्रेटिंग एजेंट। देखिए, डिस इंटीग्रेटिंग एजेंट टेबलेट के अंदर तब मिलाया जाता है जब हम कोई ऐसा फॉर्मुलेशन डेवलप कर रहे हों जहाँ पर हमको बहुत तुरंत असर चाहिए होगा, जैसे डिस्प्रिन। डिस्प्रिन के अंदर बेसिकली डिस इंटीग्रेटिंग एजेंट का यूज़ किया जाता है, जिससे टेबलेट जैसे ही हम खाते हैं वैसे ही वो टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है और हमको बहुत जल्दी उसका असर मिलता है। इसी वजह से इसमें डिस इंटीग्रेटिंग एजेंट्स का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर डिस इंटीग्रेटिंग एजेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर उन फॉर्मुलेशन के अंदर जो कि प्राण घातक दवाइयों में, जैसे कि आप सोच सकते हैं कि हार्ट केसेस में, जैसे कोई कैसे कह सकते हैं, कुछ ऐसी हार्ट से रिलेटेड ड्रग्स मार्केट के अंदर प्रेजेंट है कि अगर आपको एकदम से अगर हार्ट अटैक आ जाए और अगर आप वो टेबलेट ले ले तो वो तेज़ी से टूटेगी और आपको दे देगी, मतलब आपको बहुत जल्दी उसका असर हो जाएगा और आपको उसकी इफेक्टिवनेस मिल जाएगी। एक होता है डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट और एक होता है सुपर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। ये बेसिकली डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट से भी काफ़ी फास्ट होते हैं और इनकी एक्टिविटी भी काफ़ी फास्ट होती है। बेसिकली सुपर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट जो होते हैं वो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट से भी काफ़ी फास्ट टेबलेट को तोड़ते हैं और हमको बहुत फास्ट रिजल्ट देते हैं। बट एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट तभी रिएक्ट करते हैं जब वो वाटर के कॉन्टैक्ट में आते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो वाटर के कॉन्टैक्ट में आएंगे वो एकदम से टूट जाएंगे और आपको असर दे देंगे, मतलब उसका जो एक्टिविटी होगी ना वो काफ़ी जल्दी होगी, वो जल्दी डिसॉल्व हो जाएंगे। रीज़न ये होता है कि डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट जो होते हैं जब, और पहली चीज़, दूसरी चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट किसी फॉर्मुलेशन के अंदर यूज़ हो रहा है तो टेबलेट फॉर्मुलेशन के अंदर जब वो पाउडर फॉर्म में होती है टेबलेट, जब उसके अंदर मिक्सिंग होती है तो उसी टाइम पे ये डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट जो होते हैं वो मिला दिए जाते हैं। ये कोटिंग के टाइम पे नहीं मिलाए जाते हैं, ये टेबलेट फॉर्मुलेशन का जब मिक्सिंग होती है ना तभी ये डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट मिला दिए जाते हैं। मतलब ग्लाइडेंट, लुब्रिकेंट, कोटिंग एजेंट, इनसे भी पहले, सबसे पहले डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट या आप सुपर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट दोनों को आप काउंट कर सकते हैं, इनको ऐड कर दिया जाता है। क्योंकि ये जो होते हैं बेसिकली जब टेबलेट फॉर्मुलेशन के अंदर चले जाते हैं तो मिलकर ये कोएसिव फोर्स, मतलब सारे पाउडर्स के बीच में कोएसिव फोर्स होता है जो जिसमें सारे पाउडर्स जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और ये कौन करता है? डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। आप सुपर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट में भी यही वर्किंग है, बस ये है सुपर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट थोड़ा सा फास्ट होता है एज कम्पेयर टू डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट के, ठीक है। तो यहाँ पर होगा ये कि जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल ड्रग के कांटेक्ट में आते हैं तो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मतलब जैसे ही उसके साथ डिसॉल्व होता है, ये जो कोएसिव फोर्स था जिसकी वजह से उसने सारे जो ग्रेन्यूल्स थे उनको जोड़ रखा था वो टूट जाता है और ड्रग एकदम से ब्रेक होके डिसॉल्व हो जाती है और हमको बहुत जल्दी उसकी इफेक्टिवनेस मिल जाती है। जैसे डिस्प्रिन, जैसे एकदम से सर दर्द हो रहा है और हमको अभी किसी काम के लिए जाना है, हमको किसी मीटिंग के अंदर जाना है, किसी भी काम के लिए जाना है और हमको बहुत जल्दी उसका असर चाहिए, तो क्या है? सुपर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट उसके अंदर मिला दिया जाता है। डिस्प्रिन जैसे ही पानी के अंदर घोलोगे वो टूट जाती है और हम उसको पी लेते हैं और वो हमको असर दे देती है। वैसे हार्ट पेशेंट का मैंने आपको एग्जांपल दिया, एकदम से आपको हार्ट अटैक आ गया है और वो सुपर डिसइंटीग्रेटिंग वाली जो टेबलेट्स होती हैं कार्डियक ड्रग की, वो हम जैसे ही जबान पे रखते हैं ड्रग डिसॉल्व होती है, टेबलेट टूटती है, डिसॉल्व होती है और हमको इफेक्ट देती है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इमीडिएट रिलीज टेबलेट के केस में या इन केसेस में जहाँ पर हमको बहुत जल्दी उसकी इफेक्टिवनेस चाहिए होती है। तो यहाँ पर मैं आपको इन दोनों के एग्जांपल बता रहा हूँ, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट के और सुपर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट के, दोनों अलग अलग हैं। आप इन दोनों को नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, खासकर इंटरव्यू पर्पज़ से। तो यहाँ पर अभी हम ये वाला वीडियो हमारा कंप्लीट करते हैं, तो अगले वीडियो के अंदर हम दूसरे एक्सीपिएंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपकी उज्ज्वल भविष्य की कामना मैं हमेशा करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो उसकी लिस्ट मैं आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी
दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।